हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल कुमार फ्रॉम सूरज कंप्यूटर। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ कैनन प्रिंटर का। ये देख रहे होंगे जैसे ये घर है, तो हम क्लाइंट साइड पे आए हुए हैं प्रिंटर रिपेयरिंग के लिए। प्रिंटर रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं हम क्लाइंट साइड पे, और ये एक कैनन का प्रिंटर है। आप देख रहे हो यहाँ पे कैनन का है ये G3010। तो इसमें क्या है कि ये जो प्रिंटर है, इसने खोलो इसको, एरर पूरा का पूरा एयर ले रखा है इसकी पाइपलाइनों में। आप देख रहे होंगे कि इसमें इंक नहीं है, और इसी कारण ये प्रिंटआउट नहीं दे रहा है। तो हम ऑन साइट पे आए हैं ये ठीक करने के लिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे होता है। तो मैं आपको वीडियो पॉज कर करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसे ठीक किया। पहले हम इसके कार्ट्रेज को बाहर निकाल लेंगे। ये जो हेड के रूप में है कार्ट्रेज, ये देख रहे हो, ये इसके दोनों कार्ट्रेज हैं। कार्ट्रेज हेड कहलाते हैं, एक कलर होता है और एक ब्लैक होता है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसके पाइप में इंक लाने की। इसे देखो, इस तरह से इसको हेड को जब इसमें इंक डाल के देखते हैं, तो हम इसे देखते हैं कि ये हेड अभी काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि इंक अगर जो आ रहा है तो समझिए कि हेड अब तक सही है, पूरी तरह से सूखा नहीं है। तो ये हेड ठीक है, ये हेड काम में आ जाएगा। रुक जा। इस तरह से सारे इंक इन पाइपों में लाने के बाद हम हेडर को लगा देते हैं, और फिर चेक करेंगे कि ये प्रिंटआउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। पेपर लगा, इस तरह से देखते हैं हम कि ये हेड क्लीनिंग के बाद जब इनके पाइपों में दोबारा से इंक पहुंचाया जाता है, तो ये प्रिंटआउट देना शुरू कर देती है, और बहुत बढ़िया। ये बस इसकी एक खामी है कि अगर जो आप इसे छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत है, अगर जो डेली आप एक प्रिंटआउट निकालते हैं तो ये आपके लिए काम बहुत बढ़िया कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इंकजेट प्रिंटर है तो हमेशा यूज में लाइए। इसी तरह से सभी प्रकार के ले प्रिंटर, जैसे HP, कैनन या कोई भी आपके पास प्रिंटर हो जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स में कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।